नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती। जब भी हम ये लाइनें सुनते हैं कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को भी शेर बनाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तभी मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मैं गुरु गोविंद कह रही हूं, वैसे तो कहते हैं कि तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं, क्योंकि हम सभी के लिए पूजनीय है। और देखिए, जज्बा, ये जुनून और ये वीरता हम सभी को याद दिलाती है गुरु गोविंद सिंह जी। और वीर रहे हैं, निडर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत अच्छे लेखक भी रहे हैं। खालसा पंथ को उन्होंने आगे बढ़ाया, बहुत सारी कुरीतियों को उन्होंने दूर किया, लोगों को ज्ञान दिया और देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर। उनके छोटे से बेटे में भी इतना वीरता का जज्बा था कि वो 5 साल का बच्चा भी अपने सिर कलम करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया। यह हम सभी को आज के समय में याद रखना बहुत जरूरी है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस शहादत को हम भूल जाते हैं। ये शहादत उस छोटे से प्यारे से बच्चे की है जो 5 साल का था, और 7 साल का एक बच्चा जोरावर सिंह और फतेह सिंह। लोग ये सोचिए कि आज आप 5 साल के बच्चे को अगर कुछ या कुछ करने के लिए कहते हैं तो शायद वो ना माने, लेकिन उस बच्चे में वो संस्कार, वो देशभक्ति का जुनून था कि उसने अपने बड़े भाई से बोला कि जब मेरे दादा ने, उस समय जब उनका सिर कलम किया जा रहा था, तब उसने किया, तो हम भी उसी का अनुसरण करेंगे। और वीर जी, हम हमारे धर्म की रक्षा करेंगे और उसके लिए शहीद हो जाएंगे। और यही कारण है कि आज पूरा विश्व जो है ऐसे वीर बच्चों को कह सकते प्रणाम ठोकता है और साथ ही साथ नमन करता है। और जब हम बात करते हैं 25 दिसंबर की, तो हमारे पूरे भारत देश में 25 दिसंबर को बड़ा दिन माना जाता है, और हमारे जो ईसाई भाई हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं और क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। ये उनकी अपनी एक कल्चर है, एक उनका कह सकते हैं संस्कृति है, उनकी प्रथा है। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं, लेकिन दुख इस बात का है कि लोग उन्हें भूल जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया हम सभी के लिए और एक उदाहरण पेश कर दिया। और इसी कारण हमारे जो सिख भाई हैं, ये पूरा सप्ताह जो है वो इन्हीं वीरों को नमन करते हुए शहीदी सप्ताह के रूप में मनाता है, और प्रकाश पर्व हमारे भारत देश में मनाया जाता है 25 दिसंबर। और कहीं ना कहीं वो भारत की जो जन्मभूमि है और भारत की जो हमारी माता है, उन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया कि जहाँ वो अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने संस्कार की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहे। और आज तो हम सभी के लिए बस ये लाइनें रह गई हैं कि भैया, हमें तो बस 4 लाइनें ही पढ़नी है, लेकिन उस लाइनों में आप सोचिए कि कितना दर्द और कितना जज्बा भरा होगा कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1,25,000 से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ये सिर्फ लाइनें नहीं है, आप इन लाइनों के अगर अर्थ में जाएंगे तो बहुत गहरी बातें छुपी हुई हैं। और आज इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर संजय सिंह जी। और वैसे भी मैं कहूं कि बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय श्री राम। और हर क्षेत्र में डॉक्टर संजय सिंह जी की जो कह सकते हैं ना कि हिस्ट्री है, वो उसका बहुत गहरा रिसर्च है। रिसर्च इस बात का है कि भले ही वो एक राजपूत होने के नाते कह सकती हैं कि वो कार्य कर रहे हैं, करणी सेना के लिए कार्य कर रहे हैं, शिवसेना में भी कार्य करते हैं, और देश के लिए जो भी बल पड़ता है उसके लिए आज युवाओं को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको भी नमन करती हूँ कि आज आप युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, हिंदुत्व की जो बात है उसको आगे तक पहुंचा रहे हैं, सनातन परंपरा के बारे में लोगों को बता रहे हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, और साथ ही साथ धरातल पर भी आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं। तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि हम जैसे लोग भी आपसे जो है वो कह सकते हैं कि मोटिवेट होते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, आभार आपका सिमरन सिंह जी। आपने बहुत ही अच्छे दिन पर बहुत ही सही टॉपिक चुना है। मैं आपको एक पहली बात बताता हूं कि
हमारे देश में जो धर्मांतरण का काम करते हैं और हमारे बड़े बड़े राज्यों को, खास करके नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में जो कन्वर्ट करते हैं और उन्हें क्रिश्चियन राष्ट्रों के टुकड़ों के बनाने में साजिश करते हैं, उन सब के लिए ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये जो क्रिसमस है ना, या बाद में आने वाला न्यू ईयर, ये पहले मार्च महीने में होता था। यानी हमारा जब हिंदू नववर्ष होता है ना, वर्ष प्रतिपदा को, उस समय होता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरियों ने कन्वर्ट करते करते रोम के सम्राट को कन्वर्ट किया। उस समय रोमन एम्पायर सबसे बड़ा था, तो रोम के सम्राट को कन्वर्ट करने के बाद उस समय रोमन एम्पायर जितना बड़ा था, उस पूरे रोमन जी एम्पायर में हमारे दिवाली के साथ में एक दियों का उत्सव होता था। पहले 3 दिनों का था, बाद में वो 1 दिन पर सिमट गया था। तो वो जी 300 BC में इन मिशनरियों ने, 343 समथिंग ईयर है, उस साल में उन्होंने मार्च में होने वाला ये क्रिसमस और वो बाद में आने वाला न्यू ईयर अभी न्यू ईयर दिसंबर में चेंज किया। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, विद डॉक्यूमेंट। यानी वो एक से एक साइड से बताते हैं कि ईसा मसीह का जन्म उस दिन हुआ है, और वो उन्होंने सबके सामने 300 BC में बदला है। यानी कितने झूठ के आधार पर वो करते हैं। दूसरा, आपको ये भी याद दिलवाना चाहता हूं कि उनके बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में है और सारा विश्व पृथ्वी को प्रदक्षिणा करता है। देखिए ना, वो खुद को साइंस के बारे में बड़ा समझते हैं ना। तो उन्होंने जब कोपर निकस नाम के साइंटिस्ट ने पहले बताने का प्रयास किया कि हमारी ग्रहमाला के केंद्र में सूर्य है, पृथ्वी नहीं है, गैलेक्सी तो छोड़ ही जी दो, तो उन्होंने उसे जिंदगी भर जेल में रखा। उसके एक शिष्य ने फिर से साइंटिफिक प्रूफ देने का प्रयास किया, तो एक को जहर दे के मार दिया, दूसरे को जलाकर मार दिया। और दूसरी, और मैंने बताइए आपको बताया था, भारत में किसी भी हिंदू के घर में छोटा सा झोपड़ा भी बनाएगा ना, तो उसका जब वो वास्तु शांति करता है ना, उद्घाटन का कार्यक्रम, तो उस समय हर हिंदू के घर में नवग्रह पूजा होती है और उन 9 ग्रहों में केंद्र में सूर्य होता है। तो हमारे यहाँ गरीब का गरीब आदमी लाखों सालों से जानता है कि 9 ग्रह हमारी ग्रहमाला में है और सूर्य उसके केंद्र में होता है। तो इसलिए इनका जो अभी का क्रिसमस है, वो भी कितना बड़ा ब्लफ है, ध्यान में रखिए। आपके और हमारे सामने इन्होंने मार्च में होने वाला चेंज कर दिया था। दूसरी बात, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनकी जो ये कालगणना है ना, साल वाली, वो भी सारी जी हमारे इसकी कॉपी बाद में की गई। मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि पहले उनका साल बहुत कम दिनों का था, फिर वो इरेगुलर हो रहा था, क्योंकि अगर दिन अगर सही नहीं है तो वो दूसरे साल में आने वाला त्योहार अलग दिन पे आ जाएगा, करेक्ट गणना नहीं है तो वैसा उनका होता जी था। तो पहले जूलियस सीजर ने इस ग्रेगेरियन कैलेंडर को थोड़ा सा रिसर्च किया, तो ग्रेगेरियन कैलेंडर में भी पहले 255 डेज ही थे, फिर भी वो गलत हो रहा था। तो वो जो जूलियस सीजर था, उसने क्या किया, साल में का सबसे बड़ा महीना जुलाई, उसका पहला नाम अलग था मेरे नाम से, और वो 31 डेज का, जूलियस सीजर के नाम का जुलाई का। उसके बाद में ऑगस्टस सीजर बना, ऑगस्टस ने कहा मैं कम नहीं हूं, मेरा ऑगस्ट है ना, वो भी 31 डेज का ही होना चाहिए। तो वो जो ग्रेगेरियन क्या है, यानी साइंस का कोई जी सवाल ही नहीं। हमें जो झूठ का पुलिंदा परोसते हैं ना, ये मैकेलिक एजुकेशन सिस्टम या मिशनरियों के इस कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से, उनको ये बताना जरूरी है कि कितना झूठ का पुलिंदा है इनका, कि यह किस तरीके से काल की गणना करते थे। और उनके अगस्त के पास बाद में महीने ही नहीं थे, जो ना सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने उनके पास थे ही नहीं। बाद में फिर हमारे महीनों को कॉपी किया गया। हम जो कहते थे ना, सितंबर मतलब सातवें अंबर में, जब सातवीं राशि में सूर्य होता है, सप्त अंबर, अक्टूबर मतलब अष्ट अष्ट अंबर, अष्टांबर नवंबर नौ, हाँ नव अंबर, 10 अंबर, ऐसा है वो, हमारा ही सब कुछ कॉपी है। तो इन्होंने सारा का सारा, कोई विज्ञान के बिना अंधश्रद्धा से चलने वाले, बर्फ में रहने वाले लोग, जो समंदर के जहाजों को लूटना उनके पेट के लिए खाने का साधन था, उनके पास कोई शास्त्र नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था,
पूरे विश्व में शास्त्र का, गणित का, खगोल का, भूगोल का और तर्क शास्त्र का, अध्यात्म का सबसे बड़ा विकास हमारे देश भारत में ही हुआ है, और उन सबको ये याद में रखना चाहिए। एक और मुद्दा बताता हूँ, शायद सब लोगों को पता नहीं है। हाँ, हिंदुओं का कोई भी उत्सव आया तो वो आजकल एक बहुत बड़ा गैंग बना है जिसमें कम्युनिस्ट है, कांग्रेसी है, इस्लामी जिहादी आतंकवादी है, क्रिश्चियन टेररिस्ट है। ये क्या करते हैं कि अभी दिवाली आई, नहीं, वो प्रदूषण हो रहा है, बिटर लेके पत्रकारों को पटाखा, घुमाए। हाँ, बिल्कुल, मैं प्रदूषण यही हो पूछने रहा वाली थी आपसे। है। जी, होली आई कि कहेंगे नहीं, पानी बहुत कम हो रहा है जी, पानी मत वेस्ट करो। कोई भी हमारा उत्सव, सूखी हमारा होली अभी मकर बनाओ। संक्रांति आई, पतंग उड़ाएंगे तो नहीं, पंछी के पर कट जाते हैं, पतंग मत उड़ाओ, इको फ्रेंडली उत्सव कीजिए, ऐसा हमें सिखाते हैं इन लोगों को। अब ये जो क्रिसमस हो रहा है ना, क्रिसमस के अवसर पर, क्रिसमस ट्री के नाम पर दुनिया भर में कितने हजारों करोड़ पेड़ काटकर घर पे लाए जाते हैं, वो नहीं दिखते? कितना बड़ा निसर्ग का नुकसान करते हैं। उसमें इको फ्रेंडली इस्तेमाल करो ना, कोई प्लास्टिक का पेड़ लगाओ ना आप। या बकरी ईद के दिन जो इतने करोड़ों जानवरों को, बेजुबान जानवरों को मारा जाता है, हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में नालों में उनको काटने के बाद उनका जो भी वेस्टेज, आंत वगैरह होती है, खून और आंतें, वो नालों में फेंक देते हैं, हर कहीं पे वो ब्लॉक होता है और पूरे नालों में पानी सारा का सारा लाल होके बहता है। उनको बोलिए ना, जरा इको फ्रेंडली बकरी कीजिए, प्लास्टिक का बकरा रख के काटिए या ऐसा कुछ, कोई अलग अलग चीज का। तो इन लोगों को यह समझ में नहीं आता, वो हमें ही बताते हैं। तो मैं आज क्रिसमस आने है तो मैं सबको आह्वान करता हूँ, सारे विश्व के क्रिश्चियनों को, कि कृपया आप इको फ्रेंडली क्रिसमस मनाइए, इतने हजारों लाखों करोड़ों पेड़ों को मत काटिएगा क्रिसमस ट्री के नाम पर, और इको फ्रेंडली मनाइएगा। और आपने जो अभी गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों का उल्लेख किया, हमारे देश के पूरे इतिहास में शायद ही ऐसे बहुत कम उदाहरण है जब पूरे के पूरे परिवार धर्म और राष्ट्र के नाम पर न्यौछावर हुए। सिमरन सिंह जी, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी वही है जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कैसे की थी अगर आपको याद है तो, गुरु गोविंद सिंह जी देवी के बहुत बड़े भक्त थे, माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने एक बहुत बड़े लोगों का एक कार्यक्रम किया था, बहुत हजारों लाखों लोग आए थे, और उन्होंने सामने बहुत बड़ी देवी की मूर्ति थी, देवी की प्रार्थना की और आकर बोले कि देवी बलि मांग रही है धर्म की रक्षा के लिए, तो कौन है ऐसा जो धर्म की रक्षा के लिए स्वयं का बलि देगा? एकदम साफ पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक हाथ ऊपर दिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी बुलाते हैं, सामने एक छोटा सा टेंट होता है, अंदर ले जाते हैं, तलवार की आवाज जाती है, खून बाहर उंडेलने लगता है, फिर गुरु गोविंद सिंह जी बाहर आते हैं खून लगी तलवार के साथ, देवी धर्म के लिए और बलि मांग रही है, कौन देगा? फिर एक हाथ उठता है, उसे लेकर जाते हैं, ऐसा 5 बार होता है। 5 के बाद में गुरु गोविंद सिंह जी उस टेंट का, तरपाल का पर्दा खोल देते हैं तो पांचों व्यक्ति जिंदा होते हैं, उन्होंने बकरे काटे होते हैं, वो देखते हैं कि धर्म के लिए खुद को न्यौछावर करने वाले लोग कौन है, और इन पांचों को उस समय से पंच प्यारे कहा गया, जो आज भी है ना सिख पंथ में, पंच प्यारे सबसे पंच उनको प्यारे। सम्मान होता है सबसे आगे। तो वो धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना हुई, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले जो है उन्हें पंच प्यारे कहा जाता है। और दुर्दैव देखिएगा, अंग्रेज और अंग्रेजों ने बनाई हुई कांग्रेस ने उसी खालसा के नाम पर देश से और हिंदुओं से तोड़ने वाले खालिस्तानवादी टेररिस्ट तैयार किए, जब वो गूंगी बिल्कुल, गुड़िया कहे जाने वाले इंदिरा गांधी ने जरनेल सिंह भिंद्रनवाला के नेतृत्व में हमारे राष्ट्र धर्म और संस्कृति के प्राणों को न्यौछावर करके रक्षण करने वाले सिख पंथ को भी अलग बनाया, कट्टर बनाया, और देशद्रोह के नाम पर खालिस्तान बनाने का प्रयास किया। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और गुरु क्या कहे कि गुरु गोविंद सिंह जी खुद और उनके चारों पुत्र धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देकर गए। आपको याद होगा तो ज्येष्ठ दोनों पुत्र जो थे वो गुरु गोविंद सिंह जी अजीत का जब सिंह और पीछा जुझारू। करने के,
तो उनको जब औरंगजेब की सेना उनको नजदीक आ रही थी, तो वो पहाड़ों के रास्तों में बीच में ठहरते हैं और गुरुजी को कहते हैं आप आगे चले जाइए, हम यहाँ पर रुक कर उनका मुकाबला करते हैं, और रोकते हैं बहुत छोटे से मुट्ठी भर सैनिकों को साथ, वो उनको रोक कर रखते हैं, और जब तक गुरु गोविंद सिंह जी पहुंचते नहीं है सुरक्षित, तब तक वो खुद के शरीर का आखिरी खून का कतरा और सांस चलने तक लड़ते रहते हैं। तो धर्म के लिए ऐसा बलिदान दो ज्येष्ठ चिरंजीव देते हैं और दो छोटे चिरंजीव, जो आपने कहा मुझे तो वो बचपन से आपने जो कहा वो बहुत सेंटिमेंटल लगता है कि जब उनके दोनों छोटे पुत्रों को औरंगजेब के सैनिकों ने पकड़ा और उसको लेकर जा रहे थे औरंगजेब के दरबार में, तो वो छोटे छोटे 7 साल और 9 साल के पुत्र, लेकिन तेजस्वी, गुरुबानी का पाठ करते हुए उनको सलाखों से बांधा गया था, लेकिन रास्ते में गुरुबानी का पाठ करते हुए एकदम आत्मविश्वास से चलते, वीरश्री से चलते जा रहे थे। जब औरंगजेब के दरबार में उन्हें दाखिल किया गया, औरंगजेब ने कहा कि मुसलमान बनो नहीं तो मार डालेंगे। वो बोले हम गुरु के पुत्र हैं, मुसलमान बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो औरंगजेब ने उन्हें सरहद में दीवार में चिनवा देने की, चुनवा चिन्हवा पर दी। मार डालने की, हाँ तू मार डालने की सजा दी। तो दोनों को एक-एक पोल से बांधा गया और उसके दीवार बांधना शुरू हो गया। तो क्या हो रहा था कि छोटे भाई की दीवार जल्दी पूरा हो रही थी, वो छोटा है ना, वो शरीर उसका मुंह ढक रहा था जल्दी से, तो उस समय बड़े भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो छोटा भाई गुस्सा हो जाता है, अरे हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र है, तुम मुझसे बड़े हो, क्या मौत सामने आकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के खानदान का, परिवार का अपमान है, कहाँ तुम्हारी वीरश्री चली गई। तो बड़ा भाई उत्तर देता है, अनुज छोटे भाई, इस विश्व दुनिया में सबसे पहला जन्म मैंने लिया, पहली सांस मैंने ली, माता जी का दूध सबसे पहले प्रसाद के रूप में मुझे मिला, और जब धर्म के लिए बलिदानी न्यौछावर होने की एक हम सबके लिए गर्व का क्षण आया, तो बड़ा भाई को पहले मिलना चाहिए, लेकिन वो तुझे पहले क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं वो पहले सम्मान मिल रहा धर्म के ऊपर न्यौछावर होने का, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आए। छोटे बच्चे इस तरीके की, यानी धर्म के लिए मर मिटने में भी कौन पहले न्यौछावर होगा, इसकी एक तरीके से स्पर्धा करते हैं। यह है गुरु गोविंद सिंह जी और उनका परिवार, चारों लड़के स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी और वो सारा का सारा परिवार इस हिंदू राष्ट्र धर्म और संस्कृति के रक्षण के लिए न्यौछावर हो गया। सचमुच में हम सबको आज के दिन उनका दिन भर स्मरण भी करना चाहिए, विनम्र अभिवादन करते हुए उनकी यादें भी निकालनी चाहिए, और यह क्रिश्चियन क्रिसमस सच में क्या है और हमारी संस्कृति कितनी बढ़िया है, यह सभी लोगों को बताना चाहिए, वरना कॉन्वेंट के स्कूलों में लोगों हमारे बच्चों को न जाने वो सेंटा वगैरह क्या बनाया जा रहा है, और मम्मी लोग भी उसमें ही ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है, तो यह हमारे संस्कृति के ऊपर आने वाले समय में संकट हो सकता है। धर्मांतरण की राह पर, फिसलन पर फिसलते जा रहे ये बच्चे और उनकी माताएं इजीली ट्रैप हो सकती है, उन सबके लिए आज का यह संस्मरण आवश्यक है कि क्रिसमस भी क्या था और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का बलिदान और उनका आज का शहीदी दिवस, उनको विनम्र अभिवादन करते हुए सचमुच में मुझे तो रोमांच आता है कि उनका सारा जीवन का पट आंखों के सामने चलता रहता है। जी सिमरन जी, बिल्कुल। और हमारे भारत में एक शहीदी दिवस हम मनाते हैं, जब भगत सिंह की बात करते हैं, सुखदेव की बात करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं तब हम मनाते हैं। और फिर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने जो इस प्रकार से देश की आजादी के लिए मतलब उफ तक नहीं की और अपने धर्म की रक्षा के लिए, ये एक उदाहरण है। लेकिन वही अफसोस की बात यह है कि आज के वैश्विक युग में अगर आप बात करें, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो लोग जो हैं वो धीरे धीरे, कुछ लोग, अगर मैं सबकी बात तो नहीं करूंगी, पाश्चात्य संस्कृति सर पर चढ़कर बोल रही है। और पाश्चात्य संस्कृति इस कदर सर पर चढ़ के बोल रही है कि कंपटीशन हो गया है। आप देखेंगे कि हम लोगों ने भी पढ़ाई की, लेकिन हम लोगों ने जब पढ़ाई की तो इस प्रकार का कंपटीशन माता-पिता में नहीं होता था कि भैया 25 दिसंबर आ रहा है तो कौन है जो सेंटा क्लॉज बनाएगा, कौन बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज बनकर आएगा।
और आपको मैं बताऊं, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरी बेटी स्कूल में गई, प्ले ग्रुप स्कूल में था उसका, तो वहां पर यह हुआ था कि भाई कंपटीशन क्योंकि हर दिन होते हैं, कोई ना कोई डे मनाया जाता है, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और छोटे बच्चे जो प्ले ग्रुप के होते हैं उनको ज्यादातर गेम्स वगैरह खिलाए जाते हैं। तो मैंने पहले ही प्रिंसिपल को कह दिया था कि मैं वर्किंग हूँ इसलिए मैं ये सब डे नहीं मना पाऊंगी, लेकिन आपसे एक गुजारिश भी है मेरी ये कि अगर बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तभी उसको कहिए कि ये ड्रेस पहन के आएगा, अदरवाइज आप उसको स्कूल ड्रेस में ही बुलाएंगे। और सोचिए, उन्होंने इस चीज को सीख ली और कंपटीशन के लिए बकायदा इनविटेशन मिलता था, बट जो बच्चे जिनके माता पिता राजी होते थे सिर्फ वही उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। 25 तारीख आई और कंपटीशन था यही क्रिसमस में कि भाई सबको एंजल बनकर आना है, कोई सेंटा क्लॉज बनकर आएगा। तो मेरी बिटिया तो छोटी ही थी, 2 साल की बच्ची की, मम्मा मुझे भी सेंटा क्लॉज बनना है। मैंने कहा क्यों बनना है, वो गिफ्ट लेके आते हैं, वो रात में आएंगे और घर में वो गिफ्ट लेके आएंगे। तो मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बाकी तो बोलते हैं कि सेंटा क्लॉज रात में 12 बजे आते हैं और गिफ्ट देके जाते हैं। मैंने कहा जस्ट लाइक अ स्टोरी है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा, मैंने इनकी मैम को कहा कि मैं उसको सेंटा क्लॉज नहीं बनाकर भेजूंगी, मेरी बेटी है मैं उसको परी बना दूंगी लेकिन मैं उसको सेंटा क्लॉज नहीं बनाऊंगी, इसपे इसको आप अन्यथा ना ले। और आज देखिए वक्त इतना बदल रहा है कि मैडम ने भी वो समझा और उसको प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन कुछ स्कूलों में बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। और आज देखिए मध्य प्रदेश में सरकार बदली, सीएम बदले, और सीएम का एक फरमान बहुत अच्छा आया, उन्होंने ये कहा कि भैया स्कूल में आप अगर ये इस प्रकार का कोई कंपटीशन करते हैं तो सबसे पहले माता पिता यानी अभिभावक से आप पूछें कि बच्चे को आपको सेंटा क्लॉज बनाना है या नहीं, अगर उनकी अनुमति नहीं है तो स्कूल प्रशासन बच्चे को बाध्य नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है, अब ये चेंजेस देखने को मिल रही है। लोग ये कहते हैं कि भाई जो हम जिस देश में रहते हैं, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए सारे धर्म एक जैसे, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन सबसे पहले हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, और अगर कोई उसको अपमानित करता है तो सीधी सी बात है कि हमको तो शास्त्र भी पढ़ाया गया है और शस्त्र भी पढ़ाया गया है। और गुरु गोविंद सिंह जी की अगर मैं बात करूं, सिखों को अक्सर कहा जाता है कि सिख अलग धर्म है, लेकिन मैं ये मानती हूं कि वो भी हिंदू ही है, और सिखों ने हमेशा से ही सनातन की रक्षा के लिए जो कार्य किया है उसको कोई नहीं भुला सकता। ये अलग बात है कि अब पंजाब में जो सरकार है उनकी मेंटालिटी अलग है, उनका चलना अलग है, उनके नियम कायदे कानून अलग है, कई बार खुद जो सिख पंथ के लोग हैं इस पर अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, पंजाब के लोग खासकर। लेकिन अगर मैं बात करूं गुरु गोविंद सिंह जी की, तो ये 9वें गुरु के बेटे थे, गुरु तेग बहादुर जी, जिनका सर कलम कर दिया गया था, आज वहां दिल्ली पर जो है गुरुद्वारा बनाया गया है, और उनके इस चीज को किस प्रकार से जीवन सिंह जी ने बचा कर लेकर आए थे अपने गुरु के पास, तो ये भी एक सीख है। एक्चुअली दाह संस्कार का उनके यहाँ पे विशेष महत्व होता है कि उनका जो शीश है उसको सकुशल लेकर आए वो, और आप सोचिए उनको भी यही तीन औरंगजेब ने शर्तें रखी थी, पहला ये कि चमत्कार दिखाओ भैया तुम, दूसरा ये कि तुम इस्लाम कबूल करो, और तीसरी भी एक ऐसी ही थी, तो उनका ये कहना था कि भाई मैं सर कलम कर लूंगा, मतलब तीसरा यही था कि दो नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे सामने ऑप्शन नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं सर कलम कर दूंगा लेकिन मैं अपना ना तो चमत्कार जो है आपको दिखाऊंगा, मतलब ये मेरे खुद के जो है उसका अपमान होगा, और ना ही मैं जो है आपके धर्म को कबूल करूंगा, मतलब ये था कि कसम खाना था आपको कुरान की और उसके बाद इस्लाम को कबूल करना था। तो सोचिए कि उन्होंने एक उदाहरण पेश किया था तब, किसने, गुरु तेग बहादुर जी ने, और वही उदाहरण पेश किया गुरु गोविंद सिंह जी और उनके चारों बेटों ने, तो ये अपने आप में जो है उदाहरण है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सिमरन जी, एक तो ये कोई डिबेट का विषय ही नहीं है कि सिख सारे के सारे हिंदू थे। जब जी धर्म के रक्षा का समय आया था तो एक समय ऐसा था कि हर हिंदू अपने घर का बड़ा बेटा सिख बनाता था, जाओ तुम धर्म की रक्षा करो। तो उस समय हर परिवार का बड़ा बेटा हिंदू होता था
और छोटे बेटे, बड़ा बेटा सिख होता था और छोटे बेटे हिंदू होते थे। तो ये तो सबका खून का रिश्ता है, ये कोई अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई कितना भी इसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने का प्रयास करे, वो कभी नहीं हो सकता। दूसरा, आपने जो कहा ना एक कि ये सांता क्लॉज वाला मामला, यूरोप में क्या होता है, इस समय 6 महीने के 6 महीने से ज्यादा बर्फ गिरती है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे 6 महीने या कुछ जगहों पर कम ज्यादा समय के लिए बर्फ गिरती है, तो उतने महीने ये लोग क्या जी करते हैं, पूरा घर बंद कर डालते हैं, लकड़ियां सिर्फ काट के रखते हैं और अंदर वो जलावन आग वगैरह लगा के कोई बड़े बड़े जानवर शिकार करके घर के अंदर डाल के रखते हैं और उनको सिर्फ काट के खाते हैं। घर से बाहर कोई निकलता नहीं है, सोशियल सब कुछ बंद पड़ जाता है। तो फिर वहां के लोगों ने ये कुछ चीजें निकाली जिसमें वो ट्रेजर हंटिंग जैसे कि भाई घर से बाहर निकलो, घर के अंदर थोड़ा फ्रेश एयर आने दो, आप भी बाहर आके जरा फ्रेश एयर ले लो। तो पहले ट्रेजर हंटिंग और बाद में ये जो सांता है ना, उसी के लिए है कि भाई सांता क्लॉज आने वाला है, आप दरवाजा खिड़कियां चालू रखो, जो ठंड में सब बंद रखते हैं ना वो, जरा फ्रेश एयर आने दो। और इस तरीके से वो गिफ्ट वगैरह का लाल, लड़के भी सांता क्लॉज आने वाला है इसलिए बाहर, घर के बाहर निकलो, क्रिसमस भी इसीलिए है कि बाहर निकलो, गिफ्ट खरीदो क्योंकि आप उसके लिए दुकान तक जाओगे, अपने गिफ्ट जिनको देना है उनके घर पे जाओगे या उनको बिलाओगे, तो उसका उद्देश्य अलग है क्योंकि वो बर्फ में रहने वाले लोग बर्फ गिरने वाले महीनों तक घर से बाहर ही नहीं निकलते, बड़े जानवर मारकर सिर्फ खाते रहते हैं। तीसरा, आपने जो कहा कि कुछ स्कूलें कंपल्सन नहीं करती, कुछ स्कूल करती है, वो जो है ना कॉन्वेंट वाला मामला है, आजकल हमारे यहाँ पेरेंट को बहुत बढ़िया लगता है, मेरा लड़का या लड़की कॉन्वेंट स्कूल में सीखते हैं। कॉन्वेंट का मतलब क्या है, मैं सबको बताना चाहता हूँ। यूरोप में जो फिलोसॉफी है ना दोनों का, एक डेज जो है ना, ये मदर्स डे, फादर्स डे, कॉन्वेंट, वहां पर फिलोसॉफी ये है कि जीवन सिर्फ, थोड़ा सा शब्दों के लिए क्षमा कीजिए लेकिन मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूँ, यूरोपियन प्लूटो से कॉन्सेप्ट है कि जीवन सिर्फ काम वासना, सेक्स एंजॉय करने के लिए है, तो अगर वो सही तरीके से एंजॉय करना है तो विवाह नहीं करना है और बच्चे नहीं संभालने। तो पहले से यूरोप में विवाह नहीं करते, सिंगल मदर्स होती है और वो भी बच्चे होने के बाद छोड़ देती है। उनका कहना है कि जैसे नेचर में अलग अलग प्राणियों को बच्चे होते हैं वो छोड़ देते हैं, वो बड़े होते हैं, वैसे हमारे भी नेचुरली हो जाएंगे, तुम्हारा काम ये नहीं है उनको संभालने का, तो वो छोड़ देते थे। फिर वो बेचारे रास्ते में बाहर ठंड में कहीं पे मृत्यु हो जाता था, बीमार पड़ते थे, क्रिमिनल बन जाते थे क्योंकि वो साइकेट्रिकली एबनॉर्मल हो जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। फिर उनको ये ध्यान में आने के बाद उन्होंने क्या किया कि समाज से, सोसाइटी से चैरिटी जमा करके उन छोड़े हुए बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स का निर्माण किया, जहां रहने की, खाने की और कुछ सिखाने की व्यवस्था हो, उन्हें कॉन्वेंट कहा गया। कॉन्वेंट का मतलब सिमरन जी ये है कि जो रास्ते पर छोड़े हुए अनाथ लड़के हैं बेचारे, उनको रहने की, खाने की और एजुकेशन की व्यवस्था। और वो जो कॉन्वेंट के अंदर लेडीज लोग हैं उनको सिस्टर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उन छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा घर के जैसा फीलिंग आना चाहिए। वो वहां पर जो मेल है उनको फादर बोलते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जरा घर का फीलिंग, बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको फीलिंग आना चाहिए। तो फिर वो जो छोड़े हुए बच्चे हैं वो जिंदगी भर कभी अपनी माँ को और बाप को मिलते ही नहीं है, पिता को। फिर उन्होंने मदर्स डे लाया, क्यों? कि भाई साल भर में एक बार तो मिलने के लिए आ जाओ। फादर्स डे लाया, साल भर में एक बार तो मिलो। वो वैलेंटाइन डे, जिनके साथ जितने रिलेशन हुए उनको साल भर में बाद में एक बार तो मिलो, एक बार ब्रेकअप हुआ तो मिल, देखते भी नहीं है। हमारी संस्कृति में परिवार को इतना ज्यादा महत्व है कि हमारे, उनके घरों में बच्चा पैदा होते ही जन्म से उसके लिए एक अलग कमरा, एक अलग से बहुत बड़ा क्रैडल होता है उसके लिए, और उसके अंदर डायपर पहन के एक दूध का बोतल और एक पानी का बोतल डाल के वो अपना अपना दिन भर सब लोग बाहर जाते हैं। और हमारी संस्कृति में माता पिता के बीच में बच्चा सोता है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यूरोप में वो जो क्रैडल अलग से रखते हैं ना, अगर उनको बच्चा साथ में लेना है तो ट्रेनिंग देना पड़ता है कि रात में उनके शरीर के नीचे आकर मर न जाए। क्यों? क्योंकि वहां के सभी माता पिता जो भी वो रहते हैं, वो दिन रात में फुल सब पीए वाले होते हैं, उनको होश और हवास नहीं रहता, उनके शरीर के आगे अगर छोटा सा नया जन्मा बच्चा आ जाए तो कुछ मिनट में मर जाएगा, तो उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है।
कि खुद के शरीर के नीचे आकर बच्चा मर न जाए, वहां पर ये नॉर्मली होता है। कितनी विचित्र संस्कृति है। और हमारे यहाँ बच्चा होने के बाद माता पिता के बीच में सोता है, एक हो गया तो एक, दो हो गया तो दूसरा। हमारे यहाँ परिवार के मूल्यों को महत्व है, ना कि उनकी तरह काम वासना को। ये भी समझना पड़ेगा। और इसलिए जो कॉन्वेंट वाले कंपलसरी करते हैं ना, वो सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरियों के हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए बनाया, और बाद में उसका सबसे ज्यादा यूज उन्होंने कन्वर्जन के लिए किया। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे देश में सबसे बड़ा कन्वर्जन किसने किया पता है क्या? सबसे ज्यादा हिंदुओं का कन्वर्जन किसने किया? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, और जिसकी प्रमुख कौन थी? मदर टेरेसा। यानी मेरे देश में हमारे हिंदुओं को कन्वर्ट करने वाली सबसे बड़ी कौन है? तो मदर टेरेसा है। और उसे कहाँ कहाँ पर ये लोग रखवाते हैं, आप समझ लीजिएगा इस बात को। और देखिएगा, मेरा कभी शुरुआत में धर्मांतरण को भी विरोध नहीं था, लेकिन क्या हुआ, जब मैंने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में गया तो वहां पर मैंने देखा कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण हो रहा है। यानी जो मेघालय 1947 में 12% क्रिश्चियनों का था, वो खुद की खुशी से भारत का एक स्टेट बनता है, लेकिन बाद में जब वो आज 93% क्रिश्चियन वहां पर हो जाते हैं, तो मेघालय के रस्ते रस्ते पर और दीवारों दीवारों पर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, इंडियन डॉग्स गो अवे फ्रॉम हियर, हिंदुस्तानी कुत्तों चले जाओ, या वी आर खांसी बाय ब्लड, इंडियन बाय एक्सीडेंट। वहां पर खांसी, गारो और जयंतिया हिल्स है, तो वहां पर वैसे नारे लिखे हुए होते हैं। हम अगर घूमने भी जाते हैं ना इन 8 राज्यों में, तो बस में अगर बैठेंगे तो साई बाजू में बैठा हुआ नॉर्थ ईस्ट का नागरिक एकदम इजीली पूछता है, आर यू कमिंग फ्रॉम इंडिया, क्या आप भारत से आ रहे हो? हमारे दिमाग में विचार आता है कि फिर हम अभी कहाँ खड़े हैं। मणिपुर के वजह से कुछ लोगों को अभी थोड़ा बहुत पता चला है, लेकिन ईसाई मिशनरियों के कन्वर्जन से, धर्मांतरण से वो राष्ट्रांतरण कर रहे हैं, और 8 राज्यों के नागरिक खुद को भारत का नागरिक नहीं समझते। वे कहते हैं रोम हमारी राजधानी है, हम अलग है, हम मंगोलॉइड है, और हमें अपने अपने देश अलग तरीके से चाहिए। 325 से ज्यादा क्रिश्चियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उन 8 राज्यों में बनी हुई है, जो हिंदुओं का जेनोसाइड करती है, गैंगरेप्स करती है और फोर्सिबल एक्सोडस करती है। तो इसलिए हमारे लिए धर्मांतरण, वो जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना कि एक हिंदू का धर्मांतरण होना, यानी एक हिंदू कम होना ही नहीं होता, तो एक दुश्मन बढ़ना भी हो जाता है। तो इस तरीके से भी हमें यह समझना पड़ेगा। और इस क्रिसमस के तो इस पर इस दिन के ऊपर मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जो अपने घरों में सेंटा क्लॉज तैयार कर रहे हैं ना, वो कन्वर्जन की राह पर आगे है, वो इजी टारगेट से आगे आने वाले दिनों में धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण देशद्रोही तैयार करने के लिए। और आपको मैं साधुवाद दूंगा कि आपने आज का ये जो सेशन रखा है, वो उन अंधे बहरे जिनको समझ में नहीं आता, उन लोगों को फिर से समझाने के लिए है कि कृपया इस मार्ग पर मत जाइए। जो जो इस मार्ग पर गए हैं वो देश के दुश्मन बने हैं, और देश के दुश्मन बनने के बाद राष्ट्रभक्तों के दुश्मन बनते हैं। कृपया इस मार्ग पर मत जाइए। आज आपको क्रिसमस की जगह हमारे शहीद दिन गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का स्मरण करना चाहिए, उनकी वीरश्री की कहानी अपने बच्चों को सुनाना चाहिए, विनम्र अभिवादन करना चाहिए। आपने बहुत अच्छा टाइमिंग और विषय चुना है, आपको सचमुच में बहुत बहुत धन्यवाद सिमरन जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और खासकर अगर मैं बात करूं, आजकल जो पाश्चात्य सभ्यता सर चढ़कर बोल रही है, चाहे वो युवतियां हों, महिलाएं हों या लड़के हों, कई बार आप देखते हैं कि क्रॉस पहने नजर आते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है। कई लोग टैटू बनवा लेते हैं। और जब बच्चा अपनी माँ को देखेगा कि भाई सेंटा क्लॉज बनी हुई है, तो उसको भी ऑब्वियसली बात है कि उसको लगेगा कि मुझे भी बनना चाहिए। और किसी और की संस्कृति को अपनाना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति का आदर करना ये सबसे बड़ी बात होती है। और जहां तक बात महिलाओं की आती है, तो आज आप देख रहे हैं कि फैशन इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि महिलाएं जो हैं वो किस प्रकार के वस्त्र धारण कर रही हैं। लेकिन एक उदाहरण पेश कर रही हैं विदेशी महिलाएं जो हमारे रंग ढंग में जो है रंग रही हैं,
हमारे परिधान पहनना उनको बड़ा अच्छा लगता है, हमारे तरीके से सजना सवरना बहुत अच्छा लगता है। तो ये उदाहरण पेश करती हैं वो महिलाएं हमारे भारत देश की महिलाओं के लिए, जो कि पाश्चात्य संस्कृति जो है अपनाते हुए अपने परिवार संस्कार और सभ्यता जो है उसको दरकिनार कर देती हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत जरूरी है कि वो 25 दिसंबर के इतिहास को पढ़े, सिखों के दिए हुए जो कुर्बानी है उसको याद करे, उनकी शहादत को याद करे और उन नौनिहाल बच्चों के जीवन के बारे में जाने। लेकिन साथ में एक कहानी और भी आती है कि टोडरमल का भी इसे एक जो है एक वक्तव्य सामने आता है कि किस प्रकार से टोडरमल जी ने उस समय सिर्फ जमीन के लिए जो है एक सौदा किया था, और वो सौदा हमारे भारत देश के इतिहास का ऐसा सौदा है जो कि मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर देता है। जब एक आत्मा, मतलब यही कहेंगे कि जो वीर गति को प्राप्त हो चला है उसके लिए भी जमीन नहीं दिया गया, और उसके लिए टोडरमल जी को कहा जाता है कि 75,000 सोने के सिक्के देने पड़े थे और जमीन लेना पड़ा था। तो क्या था एक्चुअली वो कहानी और क्या थी वो कथा? देखिएगा, आपने जो कहा पहले से कि हमारे यहाँ युवतियों में भी कुछ यह क्रॉस पहना, युवकों में भी क्रॉस पहना, यह फैशन लग रहा है। इसका मुख्य रीजन जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, वही है कि जो अंग्रेजों की व्यवस्थाएं हैं वो हमें अपने संस्कृति का मूल्य, महत्व, वो कितना बढ़िया है ये नहीं बताती। उल्टा वो कितना कुछ अंधश्रद्धा है, कितना दकियानुसी है, कितना काल बाह्य है, यह हमारे दिमाग में डालते रहती है। और उनका इतना बुरा होने के बाद भी उसे कुछ अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयास करती है। तो हमें अपने युवक और युवतियों को यह स्पष्ट तरीके से हमेशा, जिन जिन लोगों का रिसर्च एनालिसिस अच्छा है, उन्हें ये, चाहे आप अकेले में कभी समय है मिल रहा है और सामने वाला उस तरीके की सोच या कम से कम सुनना चाहता है उन्हें, या कभी ग्रुप्स में हो, कभी कार्यक्रमों के द्वारा हो, कभी कुछ त्योहारों के भी अवसर पर, इन सब चीजों को अवश्य बताते रहना चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा कि वो खुद को मॉडर्न और साइंटिफिक बताते हैं, लेकिन उनकी बुक में पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य केंद्र में बताने का प्रयास करने वाले लोगों को जहर देकर और जलाकर इन्होंने मार डाला है, जबकि हमारे यहाँ नवग्रह। तो ये सब हमारे युवक युवतियों को जब पता चलेगा, मैं जब भी बताता हूँ ना, एक सिंपल बात देखिए सिमरन जी, हम कभी भी किसी मंदिर में या कहीं पर भी कुछ पूजा, कुछ अभिषेक करते हैं ना, तो हम एक संकल्प छोड़ते हैं इस प्रारंभ में। तो वहां पर जो भी ब्राह्मण है वो हमारे हाथ में पानी देके एक संकल्प छुड़वाता है, आपका गोत्र पूछता है, और उनका जो पहला सेंटेंस होता है ना, एक वाक्य जो पूजा के समय हमारे वहां के पुजारी बोलते हैं, देखिएगा कितना पावरफुल साइंस है हमारे हिंदुओं का, ध्यान में रखिएगा। एक वाक्य में वे बताते हैं कि टाइम इज इंडेफिनेट, समय ये इंडेफिनेट है और विश्व भी इंडेफिनेट है, उसके कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है। तो उस एक सेंटेंस में हम इस इंडेफिनेट टाइम में कहाँ पर है और इस इंडेफिनेट विश्व में कहाँ पर है ये बताते हैं। उसमें क्या होता है मालूम है क्या? वो पहले वाक्य में शुरू करते हैं कि आप इस गोत्र के हैं और इस समय अमुक ब्रह्मा का प्रथम चरण चालू है। ब्रह्मा का मतलब वो भी हमारी काल गणना है, मैंने जो कहा था ना कल्प की बात में, ब्रह्मा का यानी एक कल्प इज इक्वल टू ब्रह्मा का एक निमिष, निमिष यानी जिससे हम एक आंख बंद करना जिसे कहते हैं ना, और फिर ब्रह्मा का आवर गण, एक घंटा भी होता है, दिन भी होता है और 100 साल का लाइफ भी होता है। ब्रह्मा के बाद में विष्णु का 100 साल का होता है और बाद में महादेव का आता है, और महादेव को फिर से इंडेफिनेट समझा जाता है। तो वो बताते हैं कि अमुक ये ब्रह्मा का प्रथम चरण है, फिर यह कल्प चालू है, यह मन्वंतर है, जैसा 8वां मन्वंतर वैवस्व मन्वंतर चालू है, फिर यह कलयुग है, जो कलयुग द्वापर युग सतयुग जो होते हैं ना त्रेता युग, तो यह कलयुग का प्रारंभिक चरण है, कलयुग के बाद में यह वर्ष है, यह आयन है, आयन मतलब दक्षिणायन उत्तरायन, यह ऋतु है, यह माह है, यह पक्ष है शुक्ल कृष्ण, यह सप्ताह है, यह दिन है और यह समय है।
यानी इनडेफिनेट टाइम में हम कहाँ पर है एक वाक्य में, और दूसरा होता है ना वो आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भरत देशे, वो आपका लैंजिट्यूड लैटिट्यूड होता है, विश्व में हम कहाँ पर खड़े हैं। यानी हमारी हर जी छोटी बड़ी पूजा के प्रारंभ का एक वाक्य साइंस से कितना बड़ा भरा हुआ है आप समझ लीजिए, जो कि हमें पता ही नहीं है। तो हमारे युवक युवतियों को हमें यह बताना भी पड़ेगा, और उसी दृष्टि से हमें आगे भी जाते रहना पड़ेगा। राजा तोडरमल का भी आपने जो स्मरण दिलवाया, कि सही है कि वो तो अकबर के और इन सब के गुलाम थे, तो उन्हें उनके खुद के सैनिकों को भी जमीन देने का कोई अधिकार नहीं था, और इसीलिए जब किसी पराक्रमी सैनिक को अगर देने का पुरस्कार देने का समय आया, तो उन्हें उस इस्लामिक एक तरीके से राजा से खरीद कर जमीन देनी पड़ी। यही तो हमारा अपमान है। और आपको बताना चाहता हूँ, राजा तोडरमल यानी अगर आप ठीक से सुनेंगे करे कहेंगे ना, तो आज जो हमारे सबसे बढ़िया इकोनॉमिस्ट या टैक्स वाले लोग होते हैं ना, कैलकुलेशन करने वाले, उस समय के वो कॉमर्स के सबसे बड़ी हस्ती थे पूरे विश्व में। उस समय मान सिंह जैसा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और राजा तोडरमल जैसा इकोनॉमिस्ट कोई नहीं था। जो भी रेवेन्यू आता था ना, उसका सबसे बढ़िया कैलकुलेशन सब कुछ करने वाले वो थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जब वो किसी के दरबार में दास्यता स्वीकारते हैं, तो कितने अपमानों के घूंट पीने पड़ते हैं। उनके साथ में जो बीरबल भी थे, उनका भी तो नाम हिंदू था, कन्वर्ट करके ही तो उन्हें अंतिम समय तक कन्वर्ट किया गया। या तानसेन, यानी देखिए एक तरफ से हमें कैसे बताते हैं कि तानसेन यानी वो कितना संगीत का शौकीन था, ऐसा बताने का प्रयास होता है। बीरबल यानी वो इंटेलिजेंस का कितना, अरे भाई शौकीन है तो उन्हें कन्वर्ट क्यों कराया, क्यों मुसलमान बनाया, बिल्कुल मुसलमान बनके उनका मृत्यु क्यों करवाया। तो इस तरीके का ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, जो भी इस समय देखिए आजकल इस ब्रिटिश सिस्टम में सारे लोग थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए बहुत परेशान है, वो शायद ही दूसरा कुछ सोच सकते हैं। तो जिन जिन लोगों को उनका एक आपका हमारा भाग्य है कि हमें अपने पूर्वजों की वजह से, परिवार की वजह से इन बातों का रिसर्च करने का प्रेरणा मिली, समय दिलाया गया, एजुकेशन दिया गया, तो हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं। और इसलिए हमारा यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आगे वाले जनरेशन्स के साथ इन विषयों का डिस्कशन करें, उनके दिल और दिमाग तक ये विषय पहुंचाए, वरना आने वाले समय में हमारे पश्चिम की दिशा से इस्लामिक कन्वर्जन करके इस्लामिक राष्ट्र बनाने और पूर्व की दिशा से क्रिश्चियन कन्वर्जन करके क्रिश्चियन राष्ट्र बनाने का कन्वर्जन है। लेकिन उन दोनों के दुर्दैव से भारत के अंदर धर्म की जड़ें इतनी डेप्थ में है कि उनका यह षड्यंत्र कभी यशस्वी नहीं हो सकता। हिंदू फिर से जुट रहा है, हिंदू फिर से संगठित हो रहा है, सशक्त तो हो रहा है, और हमारा भी उसमें कुछ ना कुछ तो भी रोल अवश्य होना चाहिए। वो आप अपने चैनल के द्वारा भी कर रही है, और हम भी अपनी जिंदगी का जितना समय हो सकता है इस राष्ट्र धर्म और संस्कृति के रक्षण के जागरण अभियान में हमेशा की तरह समर्पित कर रहे हैं। कभी कभी समस्याएं खूब आती होंगी आपके पास भी, क्योंकि एकदम कहते हैं ना कि सच्ची बात करते हैं जो सच्ची बात करते हैं, तो वो अक्सर लोगों को चुभते बहुत है। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या? सिमरन जी बहुत होता है, क्या होता है देखिए, मैं हूँ जी हिंदुत्व का पूरी तरीके से समर्पित कार्यकर्ता, तो जी मेरे लिए हिंदुत्व के सामने मैं किसी जिन संगठन में मैं काम करता हूँ उसको भी मैं हिंदुत्व के प्रायर नहीं बना सकता, प्रायोरिटी हिंदुत्व ही रहती है। आजकल देखिए जी कुछ भी हुआ तो अभी इस समय तो पॉलिटिकली 5 साल में जब एक बार इलेक्शंस होते हैं, तो हिंदुत्व के लिए विचारधारा वाला दुर्दैव से एक ही पार्टी है, हमें लगता है 2 3 4 5 6 होने चाहिए, लेकिन अभी एक ही है। तो उसके लिए हम सब लोग सालों से बहुत काम करते हैं, अपना तन मन धन लगा के करते हैं। लेकिन क्या था है कि 2014 को सरकार आई, उसके बाद इंटरनेट पर बने हुए नए नए हिंदू बहुत सारे होते हैं, उनको ज्यादा हिंदुत्व भी बिल्कुल नहीं चुनावी पता, उनकी सारी मर्यादा एक हिंदू
हाँ, और उनकी सारी जी मर्यादाएं एक आध व्यक्ति के पास ही सीमित हो जाती है और वो वहीं पर बात करते हैं। तो उसके तो उन जी लोगों को समझाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन जिन लोगों ने आपके जैसा हमारे जैसा काम करते हैं, समर्पित है, उनके विजन क्लियर होते हैं, तो हमें ये नए बने हुए हिंदुओं में से भी बहुत सारे जो ट्रॉलर्स विरोधी विचारधाराओं के लिए होते हैं वो कभी कभी अपनों को भी समझने में गलतियां कर डालते हैं। लेकिन मुझे ज्यादा जी परेशानी नहीं होती, क्योंकि देखिए मैं तो 29 ईयर से काम करता हूँ, और सिमरन सिंह जी देखिए मैं तो जब मैंने होश संभाले, मैंने MBBS को जाने तक घर से बाहर नहीं गया था। पहली बार MBBS के लिए जब छत्रपति संभाजी नगर गया तो वहां पर जाते बराबर मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। मुझे साल भर में वहां का महानगर का मंत्री बना, फिर मैं जिला का प्रमुख बना, फिर महाराष्ट्र प्रदेश का बना, फिर संघ के सबसे टॉप 4 लोगों ने मुझे बताया कि उस समय 2000 साल था और 92 के बाद में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लिए बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन नए लोगों को जिम्मेदारी देने के बाद वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल गड़बड़ियां कर रहे थे, तो आप करो, ऐसा मुझे बताया गया। तो मैं MS कर रहा था, जनरल सर्जरी। उस समय मैंने फिर बजरंग दल की जिम्मेदारी ली, संघ के प्रमुख लोगों के कहने पर मैं बजरंग दल का फिर से महानगर का संयोजक बना, फिर विभाग का बना, फिर प्रांत का बना, फिर विश्व हिंदू पर। ऐसा मैंने 7 संगठन में हर बार पहले महानगर, फिर जिला, फिर विभाग, हर प्रांत का काम किया है। तो मैं सारे लोगों की मानसिकता समझता हूँ, क्योंकि मैं हर जगह बैठकर ही यहाँ पर आया हूँ। यानी जो गांव का प्रमुख है उसको क्या लगता है, जो तहसील का प्रमुख है उसको क्या लगता है, जिले को, विभाग का, और जो अखिल भारतीय होता है वो क्या सोचता है, उन सारी जगहों पर बैठकर आया हूं, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं होता। बहुत सारा अनुभव हो गया है और पढ़ाई तो जी बहुत अच्छे से, मैंने 25-30 हज़ार से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी है, और अभी भी मैं खुद को नम्रता से विद्यार्थी मानकर ज्ञान को ग्रहण करता हूँ जिस जिससे मिलता है, और उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित तो लोगों को तैयार करने के लिए करता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि फ्रेश लोगों में से जिनके पास स्पार्क है उन्हें सिलेक्ट किया जाए, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए और उन्हें अलग अलग दायित्व, जिम्मेदारी, पदभार देकर जो काम करते हैं उन्हें प्रमोट करते रहना चाहिए। ये साइकिल चलवाना ये मेरा पैशन है, और पैशन ऐसा होता है कि वो करते समय, मैंने जब MBBS हुआ ना, मेरा इंटर्नशिप था, उस समय मैंने सेल्फ रियलाइजेशन किया था कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो करते समय हमें भूख, प्यास, कुछ भी स्मरण नहीं रहता, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो वह 100% हिंदुत्व का कार्य था। और तब से तय किया है कि हिंदुत्व के लिए हमेशा समर्पित कार्य करेंगे, जितना समय मिलता है उतना सारा का सारा। सिमरन जी, पीछे 14 साल ऐसे थे कि मैं सवेरे 5:30-6 बजे जाता था, रात को 2-3 बजे के बाद घर पे आता था, कभी खाना खाता था, दिन भर सिर्फ 50 से 60 चाय पीता था, मैं कभी अपने बच्चे के बर्थडे को घर में नहीं था 14 साल, कभी पत्नी के घर बर्थडे को नहीं था, एनिवर्सरी को नहीं था, दिवाली को नहीं था, कभी दशहरे को, विजयादशमी को नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा बुरा विजयादशमी के समय लगता था, क्योंकि मैं जहां पर रहता हूँ वहां पर साल में विजयादशमी, दशहरे के दिन पिता अपने, मेरे पिता भी बच्चे को उस दिन ले जाकर नया ड्रेस लाते हैं और शाम को सीमोल्लंघन के लिए, पूजन के लिए ले जाते हैं। मेरे पिताजी मुझे जिंदगी भर कभी ना चूकते हुए लेकर जाते थे, और 14 साल ऐसे थे कि मैं एक बार भी मेरे बच्चे को नहीं ले जा सकता था, तो बहुत बुरा लगता था। लेकिन उस दिन हमारे यहाँ एक इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों के मेजोरिटी वाला एक शहर है, और वहां पर हम एक सामूहिक शस्त्र पूजन करते थे, बड़ा कार्यक्रम होता था, तो वो भी एक बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी थी। तो इस वजह से ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, लोग अलग अलग मिलते हैं तो अनुभव अलग अलग आते हैं, लेकिन अपना मार्ग और ध्येय निश्चित है और उसके लिए हम समर्पित हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कई बार एक तीस रहती है कि हम ये नहीं कर पाए, लेकिन तब एक चीज सुकून देती है कि हमने देश के लिए किया। और देश पहले हमारा परिवार है, हमारी जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य देश के प्रति पहले है, परिवार के प्रति बाद में है। और ऐसा ही एक फौजी भी करता है कि जब वो अपने घर परिवार को छोड़कर आर्मी ज्वाइन करता है, तो देश, भारत माता की रक्षा सर्वोपरि होती है, परिवार बाद में आता है। और कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं,
जिस प्रकार से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और आपने जैसे कहा कि मैं देखता हूं कि किसमें वो तेज है किसमें वो गट्स है, तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोग, उनके लिए आप एक गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। और जिंदगी में गुरु का होना, बड़ों का होना, एक एक्सपीरियंस होल्डर का होना बहुत जरूरी होता है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस जो रहता है वो हमारे को काम में आता है। और जब हम आगे कहीं किसी तकलीफ किसी समस्या में फंसते हैं, तो वहां वो गुरु, वो हमारा जो मार्गदर्शक है, वो हमें जो है एक्सपीरियंस देता है, वो हमें बताता है कि कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ सही कर रहे हो, कहाँ आपको क्या करना है। और यही तो एक सीख है जो हम हर एक व्यक्ति से लेते हैं। लोग ये कहते हैं कि भैया सीख जो है वो कॉलेज स्कूल में ही होती है, लेकिन एक्चुअल में होता है कि हर दिन जो है हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते जरूर है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे कोई युवती हो, चाहे कोई एक महिला हो, चाहे एक वृद्ध कह सकते हैं कि दंपत्ति हो, कोई भी हो, हर कोई हमें सीख देता है। एक बार तो ये कहूँ कि कभी कभी मूक प्राणी भी हमें सीख दे जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा सीख जो है वो सनातनी ही ले सकता है, और सनातनी इसलिए ले सकता है क्योंकि वो हर एक चीज में जो है जिंदगी देखता है, हर एक चीज में जान देखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और आगे हम आपसे फिर से मिलेंगे, क्योंकि 22 जनवरी आने वाली है और पूरा अयोध्या जो है वो सच चुका है, और भगवान राम लला का भव्य जो दरबार है उसका विधिवत तरीके से कह सकते हैं उद्घाटन होने वाला है। विदेशों से बहुत सारे लोग आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने वहां पर प्री बुकिंग करा दी थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सिंह जी ने जो है वीवीआईपी के सिक्योरिटी के पर्पस से बहुत सारे ऐसे लोग जो है जिन्होंने प्री बुकिंग कराई थी वो कैंसिल करवा दी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। और ऐसा है कि हम सभी तो सनातनी है, बाद में भी जाके भगवान का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो लोग वहां पर आ रहे हैं जिस चीज से उनको आना है और हमारे अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करना है, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हम तो कभी भी जा सकते हैं। और कहते हैं कि हर किसी के मन में और दिल में ईश्वर रहते हैं, और प्रभु श्री राम तो बहुत ही भोले भाले हैं, उनको तो बस कहते हैं ना कि सच्ची श्रद्धा से आप पुकार लीजिए, हनुमान जी वहां आ जाते हैं, और हनुमान जी को हम अजर अमर कहते हैं। और मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये कहूंगी कि हनुमान जी को आप दिल से याद करते हैं तो वो हमेशा आपके संकट में आपको उबारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब आप दिल से उनको पुकारते हैं। 25 दिसंबर को लोग बड़ा दिन मनाते हैं और क्रिसमस मनाते हैं, खूब पटाखे फोड़े जाते हैं, 25 को क्या 24 की रात में ही फोड़े जाते हैं, तब पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। अफसोस है कि हमारे भारत में सिर्फ दीपावली में पर्यावरण प्रदूषण होता है। हमारे देश में ये भी है कि बकरीद में जो लहू बहता है उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, लेकिन भगवान शिव शंकर को दूध अगर हम चढ़ाते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। और इसका ज्ञान देने के लिए तथा कथित बॉलीवुड वाले जो हैं वो आकर अपना संदेश देते हैं। ये वही बॉलीवुड वाले हैं जो पैसा फेंक तमाशा देख का कार्य करते हैं, और जो लोगों को ये सीख देते हैं कि गुटखा खाने से जो है जुबा केसरी हो जाती है, और साथ ही साथ जो युवा है उसको कहीं ना कहीं वो दिग्भ्रमित करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में माता पिता को अपने बच्चों को वो सीख देनी चाहिए कि अगर आपको आइडल बनाना है तो हमारे देशभक्तों को बनाइए, साथ ही साथ अगर आपको उत्सव मनाना है तो उन छोटे नौनिहाल बच्चों को भी देखिए जिनको चुनवा दिया गया था, जिन्होंने उस तक नहीं की थी, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने पिता के मान को बढ़ाने के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए उफ तक नहीं किया, ऐसे बच्चों को भी याद करना चाहिए। उत्सव हम मनाते हैं, और हमारे भारत देश में बहुत अच्छी बात है कि 2014 के बाद से लोग समझने लगे हैं सनातन को, और आप जैसे लोग जो है उस सनातन का दीपक जलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो युवा है वो आज जागरूक हो, क्योंकि ये युवा अगर जागरूक होगा तो कल जो देश का भविष्य बनने वाला है वो भी जागरूक होगा, सशक्त होगा। और राम मंदिर पर भी हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, कार सेवकों के उस बलिदान को याद करेंगे, और कितने लोगों ने अपना लहू बहाया इस राम मंदिर को बनाने के लिए और इस राम लला के लिए, इस पर भी बात करेंगे। और आपके इतिहास के पन्नों को मैं फिर से पलटवाऊंगी और
उस समय ले जाऊंगी जब 6 दिसंबर को इस प्रकार से बाबरी कांड हुआ था। वो सारी बातें मैं आपसे बहुत जल्द, जो है आपका समय जैसे ही मिलेगा, मैं करूंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? 25 दिसंबर है क्योंकि। बिल्कुल सिमरन जी, ये आज के इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि हमें 25 दिसंबर के दिन जिन युवाओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी के लड़कों ने, बच्चों ने अपने धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के लिए दीवार में चुनवाया तो भी मुसलमान नहीं बने, गुरुबाणी बनते बनते हुतात्मा हुए, बलिदानी हुए, उनके इस शहीदी दिवस को स्मरण करना चाहिए और अपने बच्चों को ये कहानी अवश्य सुनानी चाहिए। और क्रिसमस के दिन यह सांता क्लॉज वाले कपड़े पहनाना, यानी आप धर्मांतरण की राह पर बढ़ रहे हैं, इसको कृपया ध्यान में रखिए, क्योंकि धर्मांतरण के साथ में राष्ट्रांतरण होता है और आप देशद्रोही गद्दार बनते हो, इसे भी ध्यान में रखिएगा। हम आप सबकी केयर करना चाहते हैं, कृपया सनातन और हिंदू ही विश्व का भविष्य है उसका ही स्वाभिमान रखें। आज के दिन सिर्फ शहीदी दिवस ही अवश्य मना, दिनों में आप भी जिस तरीके से अपने दिल से यह काम कर रही है सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, उसके लिए आपको भी साधुवाद दूंगा और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसका मैं आपको आश्वस्त भी करूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।